अज्ञानता दूर कर ज्ञान की ज्योत जलाई आपने, वाहे नादानी से जिसे संभाला है आपने। और कैसे लिख दूँ उस शख्सियत के बारे में जिससे लिखना सिखाया आपने। गुरु नहीं वो सारा जहान है, खुदा के रूप में वो तो एक वरदान है। अक्सर लोग तोहफे देते हैं तो कीमती तोहफे देना चाहते हैं, मगर मेरे साथ वैसा नहीं है। तो मैंने उसके लिए लिखा था, कीमत नहीं यादें दे दूंगा मैं, जो खुश करे तो मैं वो हर एक लम्हा दे दूंगा मैं। वैसे तो मेमोरी बहुत कमी है मेरे पास, फिर भी उसमें तेरी हर याद को सजोए रखूंगा मैं। मैं वादा तो नहीं करता, मगर तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं। माना कि फासले कुछ बढ़ से गए हैं, लेकिन मैं जिस्म से नहीं रूह से मुलाकात करूंगा मैं। हाँ, तो जो अब मैं पढ़ने वाला हूँ वो शब्द नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी के पल हैं जो मैंने जिए हैं। हाँ, मिलना तो नहीं चाहा, फिर भी उससे मुलाकात हो गई। जाने अनजाने में कैसे उससे कितनी बात हो गई। मैं भूल बैठा था उसके हर एक फसाने को, मगर वो कल फिर मिली और मेरे ख्वाबों के साथ हो गई। मिली नजरें और दिन में रात हो गई, आंखों ही आंखों में मेरी बात हो गई। और लोगों को लगता है कि वो दूर है मुझसे, मगर वो कल फिर मिली और मेरे साथ हो गई। और ये मैंने लड़कों के लिए लिखी, जो लड़के शुरुआत बात करना चाहते हैं मगर आगे से फैल करना नहीं चाहते, तो उनके लिए। कहीं फिर उसने मुझे पुकारा तो नहीं, यानी अब तक उसने मुझे बुलाया तो नहीं। तू रे बेफिक्र जाए खामोशी की सल्तनत तेरी, मैंने याद किया है तुझे पुकारा तो नहीं। थाम ले किनारियों की बुलंदियों की हथेलियों को अब तू, कहीं मैं तेरी कश्तियों का किनारा तो नहीं। ख्वाब देखे थे इन आँखों ने और देख रहे हैं, कहीं तूने उन आँखों को काजल लगाया तो नहीं। होते जा रहे हो कहते हुए चुप अब, कहीं तेरी तब से ही मुझे कोई इशारा तो नहीं। अब इसका नाम है लगावट। लगावट हुई थी हमें भी लगावट किसी की, उतरी ही नहीं अभी थकावट किसी की। ये जो भी हैं सिर्फ आंखों के हैं, अब दिल पर नहीं है हार्ट किसी की। दे दिए हैं निशा हमने भी दिल पर किसी को, सुधरेगी शायद अब लिखावट किसी की। आज फिर एक और रास्ते से लौट आए, इतनी थी हमें भी घबराहट किसी की। तो ये मैं उन बाबू को देना चाहता हूँ जो अपनी सुना को भूलना चाहते हैं। यूँ छोटी छोटी बातों पर ऐसे रूठा ना करो, यूँ पराया समझ आत ही ना छोड़ा करो। मैं हर बात तुमसे कहूँ ये तो जरूरी नहीं, इसलिए बिन कही भी बातों को समझा करो। आखिर कब तक रह पाओगे ये दूर हमसे, मिलना पड़ेगा कभी ना कभी जरूर हमसे। नजरे चुराने वाले ए बेरुखी ये तेरी कैसी, कह दो अगर हुआ है कोई कसूर हमसे। हाँ, तो अभी कुछ दिनों से मेरे दोस्त मुझसे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं उनको टाइम स्पेंड नहीं दे पाता, उनके साथ बैठ नहीं पाता। तो कुछ दिन अगर बात ना करो तो कोई बेगाना नहीं होता, दोस्ती के हर एक पल को यूं ही गंवाना नहीं होता। और दोस्ती के सफ़र में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, मगर इसका मतलब दोस्ती को भुलाना तो नहीं होता। आपने देखा होगा जिस इंसान को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, नफरत भी उससे ज़्यादा हो जाती है। तो आज उन्हीं के लिए, आज तुझे देख कर अनदेखा करना क्यों बुरा लग रहा है, तेरे साथ बैठे हुए भी रहना आज क्यों बुरा लग रहा है। भटकते थे कभी जिनकी आंखों की झलक देख रहे हैं, आज उन्हीं से दूर जाना क्यों बुरा लग रहा है। बड़े प्यार से लिखे थे जिनके लिए अफसाने हमने, आज उन्हीं के लिए ये सब लिखना क्यों बुरा लग रहा है। बड़े प्यार से लिखे थे जिनके लिए अफसाने हमने, आज उन्हीं के लिए ये सब लिखना बुरा लग रहा है। और कभी उम्मीद ना की थी हमें जिसकी याद करने की, आज उन्हीं का हमें याद करना बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। और जो दो रिश्ते जब टूटते हैं तो कैसे टूटते हैं हम बताते हैं इसको। आज फिर क्यों तुझे देखकर कुछ सवाल जहन में आ रहे हैं, कितनी बेइंतहा मोहब्बत के बावजूद भी हमें क्यों दूर जा रहे हैं। मांगू तुझसे प्यार ऐसा कोई इरादा नहीं, ऐसा कहते हुए भी मेरे आज हॉट थर थर आ रहे हैं। भला कोई वजह तो होगी, कोई ऐसे बेवजह नफरत तो नहीं करता। हम तो उनके दिल की भी सुनते हैं, मगर वो मेरे शब्दों की भी नहीं सुनता। जितना उन्हें याद किया भी उतना ही दूर जा रहे हैं, प्यार हमारा एक तरफा है ये हमें बार बार बतला रहे हैं। आपने सुना होगा कि लड़कों पर काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, मगर इसका मतलब लड़कियों पर जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं होती। और जब वो लड़की प्यार कर बैठती है तो उनके लिए कुछ भी कर सकने का सामर्थ्य रखता हूँ मैं, कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता हूँ मैं। और एक बेटी कितना असमर्थ हो जाता है प्यार, एक बेटी होने का कर्तव्य भी समझ सकता हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना एक साया देख लिया मेरे साथ, तो मैंने उसके ऊपर लिखा, एक साया था मेरे साथ, मैं अकेला तो नहीं था, तनहा था मगर भटका तो नहीं था। एक हथेली ले आई है इस मोड़ पर मुझको, वरना मेरे पन्ने पर ये रास्ता तो नहीं था। ये तो नहीं कि मेरे दुखों पर रोए उसकी आंखें,
हाँ ये तसल्ली ज़रूर है कि वो मेरे हाल पर हंसता तो नहीं था, कोई उदासी ही खींच लाई होगी उसे मेरे पास, वरना बहते जल में फूल जस्ता तो नहीं था। तेरी बात तो समझ ना पाए ये दुनिया सारी, तू भी रुक सकता था मर रुक।